वो तहरीक आप पढ़े जाके प्लीज आज जाके इस प्रोग्राम से फारग होकर आप देखिए हुआ क्या। मार्च अप्रैल मई जून भुट्टो उस दौरान पाकिस्तान से बाहर गए, मुल्की दौरे में भी चले गए। अच्छा ठीक है, उसमें प्रेशर के अंदर जो कामयाबी हासिल हुई वो लेटर जो लिखा अरशद खान ने, वो लेटर आखिरी तीर था उस सारे के सारे प्रोसेस के ताबूत में। अच्छा ठीक है, हो गया, लिख लेंगे भी खत। अच्छा तो अंजाम फिर वही होगा जो आप मुझे डरा रहे हैं जिस अंजाम से, लेकिन दिस इज विल बी ए वेरी डिफिकल्ट थिंग दिस टाइम बिकॉज द पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू फाइट इट बैक। क्या इमरान खान का जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ कंपैरिजन है या नहीं है, दोनों का जवाब दे दें। देखें पहली बात यह कि एक तो खास साहब अगर तहम्मुल से बात करें सुने तो फिर मैं आराम से आपको फैक्ट से बात करता हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो है मैं पत्थर फेंक रहा हूं के और अगर जुल्फिकार अली भुट्टो केपीके और बलोचिस्तान में एक अजनबी था, उसको कोई पहचानता नहीं था, फेल हो गई थी उसकी दोनों पीपल्स पार्टियां वहां पर उसके मुखालिफ गवर्नमेंट बनी थी मुफ्ती महमूद की और गौस पाक पसंदों की। जुल्फिकार अली भुट्टो बलोचिस्तान के अंदर मोस्ट अनपॉपुलर आदमी था क्योंकि 4 साल उसने आर्मी एक्शन वहां करवाया हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो पंजाब के अंदर जीता था और सिंध में भी वडेरों के साथ मिल मिलाकर उसने एक सूरतेहाल बनाई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो मुत्तहिदा पाकिस्तान का अपोजिशन का रहनुमा था, लीडर जो था वो 161 वोट लेके शेख मुजीबुर रहमान था। ठीक, बचे कुछ पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को क्यादत मिली, उसने 74 साल के अंदर एक ऐसी ऑटोक्रेटिक रूल पास किया जिसके अंदर 26 से ज्यादा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कत्ल हुए थे, जिनमें से ख्वाजा साद रफीक के वारिस ख्वाजा रफीक, डॉक्टर नजीर, समद खान अतिकजई, अपने मुखालफीन गुलाम उस्तवा खर के जलसे में सांप उसने फेंके थे। इतनी ज्यादा नफरत बिल्टअप हो चुकी हुई थी 77 की वाकई मूवमेंट चली। लेकिन हमें याद है, मैं उस मूवमेंट में गिरफ्तार रहा हूं, 77 की मूवमेंट जब 13 मार्च को शुरू हुई थी तो पंजाब में कुछ नहीं था, कराची में होता था, हैदराबाद में होता था। मार्च गुजर गया, पंजाब में कुछ नहीं हुआ। अप्रैल की 9 तक चूड़ियां भेजते होते थे हैदराबाद से लोग, जहां कराची से हैदराबाद की चूड़ियां के पंजाबियों चूड़ियां पहन लो। 9 अप्रैल को भुट्टो समझ गया था मैं ताकतवर हूं, उसने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया था, हमने अपने हाथों से सुहेल शर्मा की लाश उठाई है और उसके बाद 9 अप्रैल के बाद चीज बदली थी। मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करती होती है। और एक बात और याद रखें, मैं स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हूं, ह्यूमन साइकी ये कहते हैं कि मूवमेंट नारों पर नहीं चलती होती। इनाजा मुस्तफा तो बाद में आया था, हर बंदा अपना दुख लेके आता होता है, किसी के बेटे ने खुदकुशी की होती है, किसी को नौकरी नहीं मिली होती, किसी ने और मसाइल होते हैं, किसी की जमीन पर पुलिस ने कब्जा कराया होता है, किसी को सियासत रौला अपना अपना होता है वो न...